नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जी के दीक्षित सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है जो राष्ट्रभक्ति के तथ्य पर आधारित है। एक मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति कैसे अपनी राष्ट्रभक्ति करते हुए अपने प्राण न्योछावर करता है, ये उस पर आधारित है। कृपा करके सभी साथी इसको देखें और अपने साथियों से इसको शेयर करें। धन्यवाद। चुप हो गए, बना तो नहीं हूँ ना, तुम्हारी गाड़ी को मूवी देखूंगा। अरे क्या लगा रखा है चक्का हटा, छोटा तुझे क्या समझता नहीं, खुद तो दिमाग से पैदल है, बार बार मूवी लगाता है, कम से कम बच्चों को कुछ न्यूज व्यूज बैंक की बातें तो देखने दिया कर। मेरे को नहीं देखना कुछ भी, सब लोग मेरे को डांटते हैं, मेरे को नहीं देखना कुछ भी। आई लव भैया, कुणाल भैया आ गए। हेलो पापा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, खुश रहो। कैसे हो पापा? बहुत बढ़िया, और तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ पापा। वेरी गुड। हे छोटू भाई, कैसे हो यार, हुआ क्या है? हुआ क्या पापा? आज फिर मम्मी से झगड़ा हो गया इसका, मैं ट्राई करके देखता हूँ। हेलो कुणाल भैया। हाय। हाय कुणाल भैया। हाय छोटी। और छोटू तू हमेशा मुलटका मिलता है यार, जब देखो तुझे ऐसे लगता है, अब क्या नया झगड़ा कर लिया इसने? कुणाल भैया, मेरे को किसी से बात नहीं करनी, सब मेरे को है ना, सब डांटते इधर, मैं कोई फुटबॉल नहीं, तो मेरे को कोई इधर से लात मारता है, कोई उधर से लात मारता है, मेरे को किसी से बात नहीं करनी इधर। जरूर चिंगी, तूने कुछ ना कुछ किया होगा। नहीं नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं किया, पापा नहीं मम्मी ने डांटा है। अरे कुणाल, इन दोनों के झंझट में मत पड़ो तू, ये सुबह से दोनों को परेशान कर रहा है। अरे मैं आप भी खुश रहो बेटा। कैसे और हो? कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? अरे छोटू, इससे सी ये तेरा भाई है, देख कितना देश के लिए काम कर रहा है, और एक तू है यहाँ टीवी देखता है, छोटे बहन भाई से लड़ता है। क्या पापा, आप भी उसको उसके तरीके से समझाया करो, बहुत ठीक है, बड़ा यार देश की सेवा करने वाला। मैं नहीं कर सकता देश की सेवा, तो मेरी गलती है ये। देख छोटू, जरूरी नहीं कि देश की सेवा करने के लिए तू आर्मी ज्वाइन करे, देश की सेवा करने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं। अच्छा भैया, मैं नहीं कर सकता देश की सेवा, कैसे बताना? और जैसे कि तुम गरीबों की मदद करके। अच्छा भैया, और बताना कैसे? या किसी की जान बचा के भी देश की सेवा कर सकते हो यार छोटू। नहीं बाबा, आप लोगों में देखता। अरे मनोज अंकल आप? अरे कुणाल बेटे कब आए, खुश रहो। आए और दीक्षित जी कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत सुनाइए क्या बात है, तुम बताओ। दीक्षित जी क्या हुआ, तो परेशान से लग रहे हो कुछ? यार ऐसी तो कोई बात है नहीं, लेकिन वो छोटू है, उम्र तो बढ़ती जा रही है लेकिन दिमाग उसका हो गया, ये परेशानी। सर दीक्षित जी, मेरा एक सजेशन है, यहाँ नजदीक एक आस्था स्कूल है, वहाँ उसमें मंदबुद्धि बच्चों के लिए है वो, तो आप उसमें एडमिशन करा के देखो। हाँ यार मैंने भी सुना है, मैं कल ही जाके ना इसका पता करता हूँ। अच्छा दीक्षित जी, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। इतनी रात को किसका फोन आ गया? हेलो हेलो, जय हिंद सर। यस ओके सर, जय हिंद सर। पापा बेटा खुश रहो, लेकिन बेटा तुम कल ही तो आए थे, आज इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो? पापा I'm sorry, मुझे आपका इमरजेंसी फोन आया था बॉस का कि
मेरी छुट्टियां कैंसिल हो चुकी है और मुझे आज ही वापस जाना है। हेलो, यस, जयंत सर। लेकिन सर आपने तो, यस, ओके सर, नो नो, ओके सर, नो प्रॉब्लम, जयंत सर। पापा, क्या हुआ बेटा? पापा बॉस का फोन आया और उन्होंने इमरजेंसी कहा है कि रेवाड़ी में कुछ बम ब्लास्ट की सूचना मिली है उनको, और मेरी छुट्टियां कैंसिल कर कहा है कि अपनी ड्यूटी यहीं पे रहूं रेवाड़ी। तो अच्छा है, यहाँ ड्यूटी भी हो जाएगी, हमारे साथ भी रहोगे। भैया छुट्टी कैंसिल हो गई? अच्छा, मतलब ये सब तेरा प्लान था? छोटू तू नहीं सुधरेगा। आज तक को ले रहा पापा, साइड में ले लो पापा। अरे आओ दीक्षित जी, आओ जी, संजय जी क्या कर रहे हैं? दीक्षित जी कैसे आना हुआ? सर एक मंदबुद्धि बच्चा है मेरा, उसके मानसिक विकास के लिए मैं उसको आपकी संस्था में भेजना चाहता हूँ। जी सर भेजिए, हमारी संस्था ऐसे बच्चों के लिए है। सर मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? क्यों नहीं सर, सारे स्पेशल बच्चों ने जीते व्यवहार, आपका बच्चा भी ठीक हो जाएगा। क्या सर ये हम आपकी संस्था विजिट कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं सर, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। मैडम ये सारे बच्चे ही मानसिक रूप से विकलांग हैं। सॉरी सर, आप इसकी बात को समझ नहीं पाए होंगे, इसने साइन लैंग्वेज में अपना नाम प्रियंका बताया। ठीक है सर, आप मैं किसी क्लास दिखाता हूँ। अपने बच्चों को आपके यहाँ जरूर भेज। ठीक है प्लीज है, ठीक है ना सर? बेटा हम ऐसी जगह जा रहे हैं, वहाँ का फंक्शन हो रहा है आज। ये देखो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कितने स्कूल हो गए अपने देश के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रिपब्लिक डे फंक्शंस में जा रहे हैं। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, सरपंच साहब, गुरुजी जल सिंह जी, महेश जी और अन्य गणमान्य समाज के व्यक्ति, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे एक मौका दिया राष्ट्र के हित में कुछ बोलने का, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए, तो मैं सबका तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ। देखिए जन्म से बच्चे पैदा हो जाते हैं, कोई अपंग पैदा हो जाता है, कोई मंदबुद्धि पैदा हो जाता है, तो अगर वो बच्चा, तो मेरा अनुरोध है कि आप उन बच्चों को ऐसे स्कूल में डालिए वहां वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करके और अपना मतलब की जीवन भी सफल करेंगे और राष्ट्र के लिए भी काम आएंगे। एक भुवाड़ी में एक स्कूल है आस्था पब्लिक स्कूल, आपने वहां देखा, मैंने वहां विजिट किया है, वहां बच्चों को मंदबुद्धि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और वो बच्चे आज कंपनियों में नौकरियां कर रहे हैं। धन्यवाद। Thank you sir for motivating, for guiding us. Jorda Taliya sir ke liye baat. इस बैग में तो बॉम्ब है ना, उसको अंदर जाके इस तरह से सेट करना है कि जैसे ही राष्ट्रगान खत्म हुई ना, उसी टाइम तेज फटे, सबके छीतरे छीतरे हो जाए यार। अरे सेट क्या करना है इसको, अंदर जाके गाड़ी को ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, ये वाली गाड़ी भी खत्म।
और लोग भी चीतड़े चीतड़े। अरे ये क्या, ये तो सब सच में बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने तो कुणाल भैया से वैसे मजाक किया था उनको रोकने के लिए। सबको बताना पड़ेगा वरना सब लोग मारे जाएंगे। गाड़ी के अंदर बॉम्ब है, इनका चिड़िया है यार। कहाँ जा रहे हो, क्या इस बैग में? रुक यार, बताता हूँ यार। अरे क्या कर रहे हो जी, क्या कर रहे हो आप? अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे? बताता हूँ यार। बता। हो गया, चले। बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया ना? हाँ कर दिया, इंशाल्लाह अपना मिसल कामयाब होगा। चीतड़े चीतड़े। मुझे इस बैग को है ना कहीं दूर ले जाना पड़ेगा ताकि ये सारे लोग है ना बच सके। कोई नहीं, मेरी जान जाती है तो। अबे वो देख कला पागल, अपना वो बॉम्ब वाला बैग लेके भाग रहा है। अरे प्लान को फेल कर रहा था। प्लान को फेल करेगा? करेगा साले, हमारा प्लान चौपट कर रहा है। मार साले को। छोटू अगर आज तू मर गया ना, पता नहीं कितने सारे लोग मारे जाएंगे। नहीं छोटू, तू मर नहीं सकता। साले हमारा प्लान चौपट करना चाह रहा था। साला अभी जिंदा है, मरता है नहीं। ले हराम ज्यादा। Thank you.
छोटू नहीं, तू हमको छोड़ के नहीं जा सकता। छोटू कुणाल बेटा बेटा, ये रोने का समय नहीं है। हम इसकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसने इतने लोगों की जान बचाई है, इसने अपनी जान देकर इतने लोगों की जान बचाई है। हम इसकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मेरे बेटे आंसू पोंछ मेरे बेटे आंसू पोंछ इस दुनिया को हम दिखा देंगे कि ऐसा बच्चा होते हुए भी हमारे बच्चे ने इतने लोगों की जान।